प्रसिद्ध घोष यात्रा अक्षय तृतीया रे आरंभ हेबो रथ निर्माण काम आ एथि पई आजि बसिबो प्रथम रथ समन्वय कमिटी बैठक पुरी पौर सदन रे केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त अध्यक्षता रे बसुतिबा एहि बैठक रे विभिन्न विभागीय अधिकारी माने समानक विभाग रो एक्शन प्लान रिपोर्ट दाखल करिवे। अपराह्न रे मध्य भुवनेश्वर रे राज्य अतिथि भवन रे गजपति महाराजा अध्यक्षता रे हेबो रथ यात्रा समीक्षा बैठक। एप्रिल 23 तारीख रे पवित्र अक्षय तृतीया एवं रथ निर्माण अनुकूल सही दिन ठारु 42 दिनिया चंदन यात्रा आरंभ आ अक्षय तृतीया ठारु 21 दिनिया बाहर चंदन यात्रा अनुष्ठित हेबो। एथर रथ यात्रा रे 20 लाख भक्तक भिड़ हेबा संभावना रहिछि। तेरु गत सप्ताह रे जिलापाल अध्यक्षता रे होइतिला रथ प्रस्तुति बैठक। प्रथम रथ समन्वय कमिटी बैठक पूर्व अधिकारी माने सेमानक एक्शन प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत करबा को कहा जाइतिला। रास्ता मरामती नाळ नर्दमा सफेई पानीय जल जोगाण व्यवस्था बिजुली स्वास्थ्य परिमल गमनागमन विभाग समीक्षा करा सबुठ समस्या होती श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प और श्री सेतु निर्माण कार्य। नरेन्द्र पुष्करणी में चंदन यात्रार नीतिकांति होगा बेले नरेन्द्र पुष्करणी उन्नयन कार्य जारी रही कम पानी थिबारु चाप को नहीं होपे समस्या। कोड़िए घोष यात्रा एवं ता पूर्वरु जदि कहिबा आज प्रथम रथ समन्वय कमिटी बैठक बसिबो एवं अक्षय तृतीया रे आरंभ हेबो रथ निर्माण काम ता सहित जून 20 तारिख रे विश्व प्रसिद्ध रथ घोष यात्रा महाप्रभु कर हेबो जोति पाई कि वर्तमान प्रथम समन्वय कमिटी बैठक आज बसबा को जाउछि। पुरी रे केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त अध्यक्षता रे बसिथिबा बैठक रे विभिन्न विभागीय अधिकारी माने सेमानक विभाग रो एक्शन प्लान रिपोर्ट दाखल करिवे जहां पूर्वरु कहा जायतिला एक्शन प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत करबा को मध्य। अक्षय मिश्र फोनलाइन अछति अधिक आलोचना करबा पई। अक्षय आज प्रथम समन्वय कमिटी बैठक बसिबो एवं विभागीय अधिकारी माने एक्शन प्लान रिपोर्ट दाखल करिवे आज ए बैठक रे कोन अधिक सूचना यात्रा एवं ताकु नेकी जिला प्रशासन पक्षरु मध्य पूर्वरु प्रस्तुति बैठक शेष होईची एवं आज होची विधि अनुसार प्रथम रथ समन्वय कमिटी बैठक जो बैठक में विशेष भाव में केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त अध्यक्षत बैठक बस पूरी परशोधन दिन 11टा बेले श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य सेवायत समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी मैंने उपस्थित रहे। विशेष भाव में जदि कह प्राय लक्षाधिक अर्थात चलित वर्ष जो आशा करा 20 लक्ष अधिक भक्त पुरी को आसवे तो किभली भाव में शृंखलित रथयात्रा सहित विभिन्न व्यवस्था करापुर आज बैठक में आलोचना हो विशेषकर जी कह 15 अधिक प्रस्ताव रही आलोचना हो विशेषकर रास्ताघाट मरामती गमनागमन ता सहित स्वास्थ्य परिमल सहित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था आदि आलोचना हो सबु बड़ कथा है श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष आज रखा कि केते परिमाण काठ पुरी में पहुंच सारी केते काठ महजूद अच्छी आउ किभली जेहेतु चलित मास 23 तारीख में आरंभ हो अक्षय तृतीया एवं चंदन यात्रा तो से ताकु नहीं किभली भाव में रथ कला प्रस्तुत कर चंदन पुष्करणी किभली प्रस्तुत करता सहित जो श्रीमंदिर चतुर्पाश्वे जो कार्य चली उन्नयनमूलक कार्य ता किभली भाव में सरी कारण सेपटे नंद पुष्करणी जेहतु चंदन यात्रा अच्छी जेहतु अल्प दिन है से भाई कार्य चली किभली समापन करंद पुष्कर पानी कम रही से पानी भर्ती कर महाप्रभुर चाप रही यही भाव में विभिन्न विभागीय अधिकारी तागिद कराइला पूर्व बैठक में प्रस्तुति बैठक में कि से आक्शन प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे से अनुसार कार्य करेंगे किंतु देखा गले पूर्व रथयात्रा बेले बहुत पूर्व अर्थात 6 मास पूर्व श्रीक्षेत्र नाल नर्दमा सफे होता है विभिन्न कार्य आरंभ होता है रास्ताघाट काम आरंभ होता है किंतु एजावत देखा मिलने से प्रक्रिया आरंभ होना तो जहाँ को नहीं कि स्थानीय लोकों भितर असंतोष देखा मिलू तो निश्चित भाव जी कह जेहतु विगत वर्ष मानक जी भक्त आसते चलित वर्ष अधिक भक्त आसे कारण पुरी को अनेक उन्नयनमूलक कार्य अर्थात जदि कह श्री सेतु अच्छी पर्यटक मैंने श्रीक्षेत्र को आसवाई और पार्किंग व्यवस्था कराई पर्याप्त पार्किंग जो थे कि प्राय 40 एकर जमी में समग मजार एक पार्किंग कर एवं जेबली भाव में भक्त मैंने शृंखलित भाव देखिपे से निम्बे व्यवस्था करा आज बैठक में यह प्रसंग को आलोचना होपराह्न भुवनेश्वर स्टेट गजपति महाराज एक समीक्षा बैठक करेंगे जो थे मुख्य शासन सचिव रे मुख्य श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रे पुलिस डीजी रे यहाँ सहित श्रीमंदिर परिचालन कम सदस्य रे पूरी जिलापाल एसपी एवं गजपति महाराज मध्य भुवनेश्वर से समीक्षा बैठक करेंगे जहां कहते हैं लगातार दर्शक मैं परवर्ती पर्यायर अक्षय अपडेट देवा वर्तमान पर आपको धन्यवाद।
विश्व प्रसिद्ध पूर्व भारतर बाबा चंदनेश्वर चड़क पर्व बेश धूमधाम पालन होउछि। चड़क पर्वर चतुर्थ अर्घ्य थिबारु हजार हजार व्रतधारी गहली देखा मिली। कोरोना पाई एहि मेला तीन वर्ष धरी बंद रही चलित वर्ष मेला आरंभ होता बेले हजार हजार भक्त गहली हेबो एवं हर हर महादेव ध्वनि में प्रकंपित होता पूरा अंचल एने भक्त मानी प्रशासन मंदिर ट्रस्ट पक्षर व्यापक प्रस्तुति कर खूब शीघ्र 18 वर्षरु अधिक वयस्कों को दिया जिबो बुस्टर डोज। बुस्टर डोज रे दिया जिबो एसएलएल रो कोवैक्स टीका एवं एथिपाई कोविन आप रो ओपन भी करा जाइछि। कोविन पंजीकृतों पाई टीकार मूल्य 225 टका रहिछि। कोविड संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु केन्द्र सरकार ए अनुमोदन करिछथि। पूर्वरु टीका नैथिबा व्यक्ति भी वर्तमान बुस्टर डोज नै पारिबे। छेनापोड़ मिठा एवं यार स्वाद पाई बेस लोकप्रिय छेनापोड़ किए एवं केउठी प्रस्तुत होता यहाक नहीं द्वंद्व लगि रही बेले छेनापोड़ प्रथम नयागढ़ प्रस्तुत होता दावी होगा। मिठा कारीगर सुदर्शन साहू प्रथम या लोकलोचन को आनी छेनापोड़ को नहीं नयागढ़ स्वतंत्र परिचय भी रही। यार भितर आज दिन को छेनापोड़ दिवस भाव पालन करने नयागढ़ किसी अनुष्ठान प्रयास कर सही दिन छेनापोड़ काटी छेनापोड़ दिवस पालन करने को अंटा भिड़ी। छेनापोड़ को जीआई ट्याग मान्यता दिवस दिवस पालन छेनापोड़ स्रष्टा सुदर्शन साहू को परिवार भी दावी कर जलखिया दुकान बली पड़ा किसी कंचा छेना को बचाईवा सुदर्शन प्रथम से चीनी मिसाई पोड़ पोड़पिठा प्रस्तुत करते छेनापोड़ भाव बेस परिचित है। दिनक दिन छेनापोड़ चाहिदा बढ़ुची तेणु स्वर्गत सुदर्शन जन्म तारीख एप्रिल 11 को विश्व छेनापोड़ दिवस भाव पालन करने को आरंभ हो उद्यम यह समर्थन जोड़ नयागढ़ एकाधिक संस्था आगे आसी वर्तमान एवं रणपुर विधायक प्रशंसा कर समय बुलेटिन रे ब्रेक रे ब्रेक बारे आगु देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया भारत को यूक्रेन विदेश राष्ट्रमंत्री को प्रशंसा कहिले हिंदुस्तान एवं विश्व गुरु युद्ध बंद करने प्रयास करुछि नुआ दिल्ली किव गस्त प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण करिवे एमिन झापारोभा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।